हाल ही में एडीसीपी ट्रैफिक पद पर नियुक्त हुए राहुल मिठास ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बताया कि ट्रैफिक का सुचारू रूप से संचालन हो और सभी अपने गंतव्य तक बिना किसी दिक्कत तक पहुंच सके, ऐसा वो सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी ट्रैफिक माह में लोगों से ट्रैफिक नियमों का सुचारू रूप से पालन करवाया जाना ही हमारी प्राथमिकता है। शहर में चल रहे मेट्रो डायवर्जन पर उन्होंने कहा कि जल्द ही एक प्लान तैयार किया जाएगा जिससे लोगों को सहूलियत रहे। आगामी त्योहारों को लेकर किस तरह का ट्रैफिक रूट रहेगा इसके बारे में भी उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, प्राथमिकताएं तो वही हैं जो सभी अधिकारियों की रहती है कि शहर का ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, जो क्षेत्रीय जनता है वो अपने गंतव्य तक बिना किसी प्रॉब्लम्स के पहुँचे। दूसरा ये है कि हम लोग इस पर ज़रूर ध्यान देंगे कि ट्रैफिक रूल्स का अनुपालन किया जाए, सख्ती से किया जाए, और सभी लोगों को इस बारे में जागरूकता देने के लिए जो आगामी माह है, जो हम लोगों का ट्रैफिक माह के रूप से चलाया जाता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता बढ़े और ट्रैफिक रूल्स को पालन करने का एक स्वभाव बने कि उसमें हम लोगों का ही हित है। इसके लिए एक वृहद प्लान जो कुछ वर्षों पहले भी बना गया था, उसी प्लान को हम लोग बना रहे हैं और इस संबंध में मीटिंग भी क्षेत्रीय जो व्यापारी गण हैं उनके साथ की जा रही है और शीघ्र ही एक दो दिन में एक प्लान जिससे कि व्यापारियों को भी कोई असुविधा ना हो और जो लोग वहां आते हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं और लोग भी जो आ रहे हैं वो भी सुचारू रूप से अपना काम कर सकें, इसमें एक प्लान बनाया जा रहा है। इसमें डाइवर्जन, वन वे और जो पार्किंग व्यवस्था है उन तीनों को समावेश करके इसका शीघ्र प्लान बनाया जाएगा और सभी लोगों को इसको सूचित किया जाएगा। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।